हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है इजी किचन हैक्स में। आज हम बनाने जा रहे हैं बचे हुए चावल से, मतलब बासी चावल से, दो अलग तरीके की रेसिपी। दोनों ही बहुत आसान है और बहुत ही टेस्टी बनकर के तैयार होता है, तो इसे बनाना शुरू करते हैं। पर उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पे कढ़ाई में हम डालेंगे थोड़ा सा तेल, इसमें डालेंगे जीरा और राई। थोड़ा सा चटक जाने के बाद इसमें हम डाल देंगे प्याज। तो मैं यहाँ पे आधा प्याज डाल रही हूँ, आधा मैं बचा के रख रही हूँ। तो मैंने यहाँ पे एक प्याज डाला है। अब इसमें अदरक, लहसुन, मिर्ची का पेस्ट डाल रही हूँ। ये तीनों चीज़ का पेस्ट मिक्स है, या फिर आपको सिर्फ मिर्ची डालनी है तो आप बारीक काट के डाल सकते हैं। इसे एक मिनट के लिए भूनेंगे ताकि इसका कच्चापन चला जाए। अब यहाँ पे मैं थोड़ी सी गाजर डाल रही हूँ और थोड़ी सी शिमला मिर्च डाल रही हूँ। वेजिटेबल्स आप अपने पसंद की डाल सकते हैं। इसे हम एक से दो मिनट के लिए हाई फ्लेम पर भून लेंगे। थोड़ा सा हल्दी पाउडर डालेंगे, एक चम्मच गरम मसाला पाउडर डालेंगे और इसे एक से दो मिनट के लिए भूनेंगे। अब यहाँ पे मैं डाल रही हूँ बचे हुए चावल। ये बचे हुए रात के चावल है, आप चाहें तो इसे ताजे चावल में भी बना सकते हैं। इसमें डाल देंगे चावल और नमक डाल देंगे स्वाद के अनुसार। साथ ही साथ मैं इसमें यहाँ पे बिरयानी मसाला डाल रही हूँ, बिरयानी शाही मसाला। आधा चम्मच, एक चम्मच डाल देंगे, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है, तो आप ज़रूर डालिएगा। बिल्कुल बिरयानी जैसा टेस्ट आने लगता है ये मसाला डालने से। एक बार अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पे लास्ट में डालेंगे हरा धनिया, एक बार मिक्स करेंगे और बस यहाँ पे हमारी फ्राइड राइस, मतलब बासी चावल का फ्राइड राइस बन करके तैयार है सर्व करने के लिए। तो कभी भी घर में बासी चावल बच जाए आप इस तरीके से बना लीजिए, ये तुरंत ही ख़त्म हो जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा कि कहाँ गया। अब यहाँ पे कढ़ाई में वापस हम डालेंगे थोड़ा सा तेल, जीरा और दूसरे तरीके का चावल बनाना शुरू करते हैं। ये थोड़ा सा चटक जाए उसके बाद अब इसमें हम डाल देंगे प्याज। तो ये एक छोटे साइज़ का प्याज मैंने काट के डाला है। इसे हम एक मिनट के लिए भून लेंगे। अब आप यहाँ पे डाल दीजिए अदरक, लहसुन, मिर्ची का पेस्ट, या फिर आप सिर्फ मिर्ची काट के भी डाल सकते हैं। इसे मैं दो मिनट के लिए भून लूँगी। अब यहाँ पे मैं डाल रही हूँ शिमला मिर्च। शिमला मिर्च डालना बिल्कुल ऑप्शनल है। अब डालेंगे बीट रूट। तो एक बीट रूट को मैंने फाइनली चॉप कर लिया है, आप चाहें तो इसे कद्दूकस करके ग्रेट करके भी डाल सकते हैं, उससे ये ज़्यादा अच्छा बन करके तैयार होता है। फीमेल्स के लिए बीट रूट खाना बहुत इम्पॉर्टेंट है ताकि उनका हीमोग्लोबिन, कैल्शियम और आयरन बैलेंस रहे। तो इस रेसिपी को आप अपने लिए ज़रूर ट्राई करिएगा। हल्दी डालेंगे, अच्छे से मिक्स करेंगे और बस यहाँ पे डाल देंगे बचा हुआ चावल, नमक स्वाद के अनुसार। एक बार अच्छे से मिक्स कर लीजिए। अब आप चाहें तो आखिरी में धनिया डाल सकते हैं और ये बस सर्व करने के लिए तैयार है। इस रेसिपी को फीमेल्स खास करके ज़रूर ट्राई करिए, क्योंकि फीमेल्स में मोस्टली 60% आयरन, हीमोग्लोबिन, कैल्शियम की कमी होती है। तो बीट रूट एक ऐसी चीज़ है, एक ऐसा पावरफुल इंग्रेडिएंट है जो कि आपके बॉडी में किसी भी चीज़ की कमी को नहीं आने देता है। ये दो तरीके की फ्राइड राइस हमारी बन करके तैयार है, दोनों ही बहुत आसान और एकदम हेल्दी हैं। अगर आपको रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा ताकि आपको और बहुत सारी रेसिपीज़ मेरे चैनल पे मिलती रहें। थैंक यू, बाय बाय।